या रोड कुछ ऐसा दोस्तों। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ओफक पब्लू ऐसे जाएंगे। खींच खींच ताकि नस खींच गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो 17th अप्रैल और अभी हम हैं रोहित के घर के बाहर। व्हाट ही सेड वाज टोटली ऑफ रोडिंग होगी आज, तो ले चलते हैं आपको। सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी, तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी रोहित का और वो आने वाला है 5 मिनट में, रोहित के 5 मिनट। सो लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो जैसे ही बाहर निकलता है चलते हैं। तो यार रोहित आ गया, तो बस निकल रहे हैं हम थोड़ी देर में। बताओ वो तो प्लान तो तुम्हारा है। 6 बज चुके हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी और आज बारिश भी अच्छी खासी हुई है कल रात को, तो हो सकता है कि आज दिन में भी बारिश हो। ले यहाँ से 723 किलोमीटर, कारगिल इज 489 एंड बारामूला इज 340 और पत्नी टॉप इज 101। अब सॉरी आई एम यॉनिंग। तो हमारा पहला स्टॉप, जम्मू के लोकल जब भी आते हैं या कोई भी आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे चाय ज़रूर पीते हैं, तो पीते हैं चाय और चलते हैं फिर बाद में आगे। तो यार यहाँ पे हमने चाय पी ली, लेकिन बाहर अभी कुछ ऐसा हो रहा है, एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई और हम रुके अभी यहीं पर और वेट कर रहे हैं आसमान थमने का। थोड़ा सा बारिश थम जाए तो फिर चलते हैं आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार और ठीक ना जाए। कहाँ सोए होते घर पे यार? और इस बोल रहा है कि घर पे सोए होते हैं एटलीस्ट बजे में, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं है, आग लगी हुई है बहुत प्यारी, तो आग सेक रहे और चाय पी रहे। मुझे लग रहा है कि बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर, इतनी ज़्यादा नहीं है इसको लग रहा है, लेकिन वेदर फोरकास्ट है कि पूरा दिन बारिश रहेगी आज, पता है। तो यार ये डरा रहा है, कह रहा है कि अगर रास्ते में फंस गए तो फिर निकालने वाला भी कोई नहीं, और सही बोल रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बारिश का वेट कर रहे हैं कि रुक जाए, फिर निकलते हैं आगे। जय माता दी। यहाँ पर कुछ वेल भी है यार। हाँ हाँ एक चाय और। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा ट्रिप है जोगीधार का, तो वही रास्ता हमने एक्चुअली आज पकड़ा है, बट थोड़ा सा डिबेट हुए हैं हम रास्ते से, बिकॉज हमें थोड़ी किसी और साइड जाना था। तो लोगों से पूछ लेते हैं यार। देखो रास्ता बहुत अच्छा है और खेत ही खेत है मेरे राइट में, तो पूरे खेत है। और यहाँ देखो बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़, और ये गया हिमालयन। तो यार अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, तो लोगों से पूछा, वो बोल रहे हैं कि ये वाला रास्ता पकड़ो, लेकिन कल रात को बारिश हुई है, तो हम निकल रहे हैं आगे। सामने देखो ये पूरे पहाड़, छोटी थोड़ी 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 बर्फ पड़ी हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो चलते हैं।
यहाँ पे अचानक छोटा सा हादसा हो गया, कुत्ता साथ में पीछे लग गया था आशी के, तो आशी निकल गया। ओ तेरी, तू नहीं गिरा? नहीं। अचानक से ही बहुत ज़्यादा बारिश पड़ना शुरू हो गई है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये, रहे घने जंगल और ये रहा रोड, और वहाँ कहीं दूर नेशनल हाईवे भी है जो कि छोड़ के हम इधर आ गए और बारिश का मज़ा लेते हुए। डगन पास भी सामने ही है, मैं रोहित और आशी एक बारी डगन पास भी गए थे, बट सॉरी यार वो डेटा डिलीट हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा था मेरी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी वाइप हो गई। तो कोई नहीं, किसी और दिन जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको डगन पास भी। लेकिन ये रास्ता बहुत खूबसूरत है यार, पेड़ देखो। और ये रही हिमालयन गोट। तो यार ये जा रहे हैं प्रोमैच अपने घोड़ों को लेकर, अपना सामान के साथ आराम से शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया अभी रोड के बीच में। एक्चुअली वी आर इन दैट डोमेन राइट नाउ, ये तो इनका ही रास्ता है, ये हमेशा से चलते आ रहे हैं। और हाँ ये कुत्ते भी हमेशा साथ में रखते हैं यार। सीधी खाई है राउंड अबाउट 100 फीट नीचे, 200 फीट नीचे होगी कम से कम। यार बहुत ही स्लिपरी रोड है, आजा आजा आजा। इधर लगा दी साइड से, फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे। तो हम सामान यहीं पे रख रहे हैं सारा, और ये रहा सामान। और भैया ने हमें बोला है कि यहाँ से पैदल चले जाओ, तो कितना है राउंड अबाउट? दो घंटे दो ढाई घंटे, बिल्कुल स्टीप पहाड़ है, तो हम वहीं जा रहे हैं। दो घंटे इनके लिए और हमारे लिए मे बी 3-3.5 घंटे लगा लो। सो मोस्ट प्रोबेबली विल बी बैक 6ish और 7ish, देखते हैं। तो दो बंदे जा रहे हैं, एक 90 है और एक 88 है। बहुत ही प्यारा सा घर बना हुआ है, और आई थिंक ये लास्ट शॉप है यहाँ पे, इसके बाद तो आगे पैदल पहाड़ी है। और बहुत प्यारा सा गांव है, तो आपको 360 डिग्री भी दे देते हैं यहाँ का। हाँ तो दिखाते हैं आपको बाइक्स कहाँ पार्क की है हमने, बाकी ये सामान है हेलमेट वगैरह यहीं रख रहे हैं हम। हाँ ये ले ले यार, दैट्स व्हाई आई लाइक आशी। तो यार हमने सारा सामान यहीं पर रखवा दिया है, और अभी हम जा रहे हैं वो पीछे इस पहाड़ पे सीधा ऊपर। और यार ये पार्क कर दी हमने बाइक से यहाँ पे, और सामान आपने देख लिया दुकान पे रख दिया है। और यार ये सीधे पहाड़ पे ऊपर जाना है, और रास्ता पता नहीं है, बट देखते हैं जितना देर तक जा सकते हैं चलेंगे, बाकी थक गए तो वहीं पे विश्राम स्थल बन जाएगा आज रात का। तो चल रहे हैं, खाने की सामग्री हमने उठा ली है, रियल मी के जूस, चिप्स, बिस्किट। दिस वे यहाँ से सीधे ऊपर
राउंड अबाउट 15 मिनट हो गया हमें चलते चलते नीचे से, और टू बी ऑनेस्ट थक गया है।